so a quick recap of what we did in the previous session. Okay, वो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्या होता है ना? याद है बच्चों ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज पॉइंट ऑफ, आप लोग प्लीज नोट्स बनाइए, और नहीं भी बना रहे नोट्स तो आप लोग जस्ट फॉलो करिए. अगर कोई डाउट होता है प्लीज आस्क. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स कैन बी वर्चुअल एंड रियल. वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होता है? जब इंसिडेंट रेज सीम्स टू इंटरसेक्ट बट दे एक्चुअली डोंट इंटरसेक्ट. ओके, देन कम्स इमेज. इमेज क्या होती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है? ओके, ये होता है इमेज, ठीक. फिर हमने एक उस दिन एक देखा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्लेन मिरर्स द न्यू कमर्स, श्रृंखला एंड संस्कृति. ओके, प्लेन मिरर्स ऑलवेज फॉर्म्स, और प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. ट्रू और फॉल्स? दीक्षा क्या था इसका आंसर बेटा? अच्छा रुको, नए नए वाले बच्चों से पूछते हैं. संस्कृति एंड श्रृंखला, एनी आंसर्स टू दिस बेटा? अच्छा तुम लोग घबराना मत, ठीक है ना? पूछो, जितने क्वेश्चंस पूछने पूछते जाओ और जवाब देते जाओ. गलत सही का टेंशन मत लेना, सीखना है तुम्हें, है ना? मेरे पास सीखने आए हो. संस्कृति एंड श्रृंखला, एनी आंसर्स टू दिस? प्लीज आस्क. ट्रू. ओके, सो संस्कृति सेज ट्रू एंड श्रृंखला, यू आल्सो ट्रू? यू आर आल्सो सेइंग ट्रू. चलो अब आ जाओ देखते हैं. तो हम लोगों ने ये देखा, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. व्हाई आई एम सेइंग फॉल्स? ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ये मिरर है हमारे पास, ठीक है, ये मिरर है, और फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दीज आर, ये इंसिडेंट रेज है बच्चों, ठीक है. तो ये इंसिडेंट रेज कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं बेटा? बिहाइंड द मिरर, हाँ या ना? तो ये ऑब्जेक्ट हुआ या नहीं हुआ? यस सर. श्रृंखला एंड संस्कृति, यस और नो? यस सर. आप एक बात बताइए, अब आप मिरर के पीछे जाएंगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा क्या? नहीं देगा ना? Yes. मिरर के पीछे जाओगे तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, है ना? दीवार तोड़ के देखने जाओगे तो नहीं मिलेगा. ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक. अब देखो इसकी इमेज देखते हैं कैसे बनेगी. तो यहां से इसने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया और ये ऐसे गया. ये जो बना, ये इसका इमेज हुआ. दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, राइट? तो ये कौन सा इमेज हुआ? रियल इमेज. क्यों रियल इमेज हुआ? बिकॉज रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. भव्य है कि नहीं भव्य? यस सर. तो ये हो गया हमारा रियल इमेज, क्लियर. तो वर्चुअल प्लेन मिरर्स कैन फॉर्म अ रियल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस. ओके ओके, से यस और नो? यस सर. मजा आया कि नहीं आया? ये देखो तुम्हारे बचपन का कॉन्सेप्ट ठीक हो गया है ना? फिर हमने सीखा था पिछली क्लास में कि अगर एक मिरर के सामने, इफ अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर
ठीक है, ये एक आदमी है जो इस मिरर के सामने खड़ा है एंड द हाइट ऑफ द मैन इज एच. ओके, संस्कृति आपको समझ आ रहा है ना बेटा? बच्चों नहीं समझ में आए ना तो प्लीज बोलना बेटा, ठीक है सर ये मेरे को समझ में नहीं आया. कोई किसी से ये मत सोचना कि वो क्या सोचेगा, सब कोई किसी को नहीं जानता है यहाँ पर, सब पूछो डाउट, सब एक जैसे हो इसलिए आप लोग आए पढ़ने, है ना? तो प्लीज क्लियर ऑल योर डाउट्स. तो द हाइट ऑफ मैन इज एच, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर सो दैट द मैन कैन सी हिज कंप्लीट इमेज. ये आदमी अपनी पूरी इमेज देख पाएगा ऐसा, तो इस मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ. तो क्या करेंगे, हमने इसमें क्या सीखा था वो मैं तुमको याद दिलाता हूं वापस, ठीक है? दिस इज फॉर न्यू कमर्स. ये मैन का मैंने हाइट एच का वो बना लिया, ठीक है? ये इसका हेड है, ये इसका फीट है और ये सामने मिरर, ठीक है बेटा? और इसकी आंख कहां होगी, इसकी आंख होगी यहां कहीं, ठीक. अब क्या करो, होगा क्या, देखो यहां से जो रे चलेगी वो यहां से रिफ्लेक्ट होगी मिरर से और आंख तक पहुंचनी चाहिए तभी इमेज बनेगी ना, यस और नो? यस. तो ये नॉर्मल हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने सबने बचपन में पढ़ा हुआ है ना? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया और यहां पर ये आया, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स, है ना? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे. आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट? तो एनी पार्ट ऑफ द मिरर अबव दिस पॉइंट इज यूजलेस, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो आंख तक पहुंचेगा ही नहीं, हाँ या ना बेटा? श्रृंखला और संस्कृति आप लोग को समझ आया? यस सर. ओके ग्रेट. नाउ फीट से भी रे चलेगी, रे विल बी इंसिडेंट ऑन मिरर एंड इट विल रिफ्लेक्ट एंड रीच दिस पॉइंट, है ना? ये भी ऐसा होगा इसमें. ऐसा, ठीक है? तो ये यहां आ गया और फिर से ये देखोगे तो ये y और ये y, ठीक. अब देखो एक और लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं हम लोग, आई से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं नॉर्मल के लिए. तो ये जो दो येलो लाइंस दिख रही थी ये दोनों नॉर्मल थी और ये ऑरेंज कलर की लाइन जो है दिस इज पैरेलल टू दीज टू नॉर्मल्स. सो दिस लेंथ विल बी एक्स, यस और नो बच्चों? एंड दिस लेंथ विल बी वाई. बेटा हाँ ना बोलो, अपना माइक ऑन रखो और हाँ ना बोलते जाओगे ना? यस सर. देखो कम टाइम है अपने पास और अपन को मैक्सिमाइज करना है इसको, ठीक है? तो ये हो गया 2x plus y is equal to h, ये वाला लेंथ, और l मिनिमम क्या हो जाएगा, l मिनिमम इज x plus y, सो वी हैव l मिनिमम एज h by 2. तो ये तुमको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, उसमें हमने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो ये प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने सिखाया था उस दिन, ठीक है, पहली क्लास में. देयर वर 3-4 मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट्स, तो आप लोग प्लीज जाके उसको देखिएगा. गॉट इट? यस सर. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आज का नया सेशन सीखते हैं, कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्शन. देखो ये क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें आता है बेटा मिरर फॉर्मूला, ठीक है? देखो तुम लोग थोड़े से ही बच्चे हो, बताओ डेरिवेशन करवाऊं या नहीं करवाऊं? टेक्निकली जिस प्रोग्राम में आप लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें ये सब डेरिवेशन वगैरह का अपने पास टाइम का स्कोप नहीं है, प्रोग्राम का स्कोप छोड़ दो, पर तुम करवाऊं या नहीं करवाऊं डेरिवेशन इसका, करवा दूं?
करवा दो सर। चलो ठीक है, आ जाओ। बाकी सब एग्री करते हो कि नहीं? देखो सब एग्री करोगे तो करवाओ। यस सर। तो ये देखो, ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अच्छा, ऑल दीज फॉर्मूलाज, जो भी तुम अब फॉर्मूला डिराइव करोगे, ऑल दीज फॉर्मूलाज आर वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज का मतलब होता है रेज विच आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रेज विच आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर पैरेक्सियल रेज, राइट। सो दिस इज आर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ओके। इसमें मिरर का पोल हो गया, ये मिरर का पोल होता है बेटा, और लेंस का होता है ऑप्टिकल सेंटर। पोल क्या होता है? इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, ओके। अब यहां पर ये देखो, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जो पॉइंट है ना यहां पर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। उसके पहले हम यहां पर वो सीख लेते हैं, क्या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आता है आप लोग को? श्रृंखला, संस्कृति, भव्य, दीक्षा? अभी अच्छे से नहीं आता, पर किया था। किया था ना। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द, और ये बता दीक्षा कल तू क्लास में क्यों नहीं आई? इसके बाद बात करते हैं अपन क्लास के बाद। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कन्वेंशन, डिस्टेंसेज मेजर्ड Above the principal axis, are considered positive, and below it are considered negative. Right? Third, distances measured along the direction of incident rays are considered positive and opposite to it, are considered negative. ठीक है, इतना ही होता है साइन कन्वेंशन। अब इसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। दिस इज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये स्पेलिंग गलत है भाई कार्टेशियन की। बेटा जो समझ नहीं आता है, तुम मेरे पास आए हो समझने के लिए, ठीक है ना, सब्जेक्ट सीखने, प्लीज पूछते जाओ। देखो इसको करेंगे कैसे। सपोज करो मेरे पास एक ये लेंस है, ठीक है, तुम सबने कॉन्वेक्स लेंस देखा हुआ है। ये मेरे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर सी, नहीं इसको ले लो तो पी, ठीक। तो हमें जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो हम यहां से मेजर करेंगे। एटलीस्ट दो रेज चाहिए होती है हमको रे डायग्राम बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज है, इमेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज है ना। तो तुम्हें यहां ध्यान रखना है, तो तुमको यहां ध्यान रखना है कि तुम दो रेज से इस काम को करो, ठीक है। तो अब देखो, जब तुम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने जाओगे पी से, तो क्या होगा पीछे? हाँ या ना? Yes, sir. तो इसका ये पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए दीक्षा? नेगेटिव। नेगेटिव आना चाहिए। तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो माइनस यू लिखा जाए, ठीक है। Yes. अब देखो
यहां पर क्या होता है, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी वो देखते हैं। तो अरे स्टार्टेड फ्रॉम ओ, इट गॉट इंसिडेंटेड ऑन दिस लेंस एंड इट गॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। और एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से पास होगी, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इट गोज अनडिविएटेड। द रे विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड, राइट। तो ये आ गया इसका इमेज। अब देखो इमेज का डिस्टेंस कैसे मेजर हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन, यस और नो? तो ये आएगा पॉजिटिव, क्लियर। और अगर इसके ऊपर मेजर कर रहे हो, मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ऊपर है, तो ये जो होगा इसका जो डिस्टेंस आएगा ये वाला, दिस विल बी पॉजिटिव एच, ठीक है। अगर इमेज मान लो नीचे की ओर बनता है, मान लो मैं अभी बन नहीं रहा है, मान लो एक्सटेंडेड इमेज ऑब्जेक्ट है उसका इमेज नीचे बन रहा है, तो दिस इज माइनस एच आई, क्लियर। अंडरस्टूड और नॉट? से यस और नो, गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। यस सर। ओके ग्रेट, भव्य को समझ आ गया, दीक्षा को समझ आया, संस्कृति और श्रृंखला आप दोनों को बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब हम लोग चलते हैं उधर डेरिवेशन, ठीक है। देखो यहां क्या है बेटा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसने क्या किया, यहां से एक रे चली, रे गॉट इंसिडेंट, ठीक। और ये दिस रेडियस, ये जो देख रहे हो तुम सी ए, ये जो है ये रेडियस है इस स्फेरिकल मिरर का, जिसका ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर बना हुआ है, कॉनकेव मिरर बना है जिससे, ठीक है। जिस स्फीयर से ये कॉनकेव मिरर बना है उसका ये रेडियस है सी ए, तो ऑब्वियसली सी ए विल बी परपेंडिकुलर। कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ये किसके परपेंडिकुलर होगा, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसके परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो तुम देख रहे हो ये रेड वाली थिन लाइन और ब्लैक वाली थिन लाइन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। ये रे रिफ्लेक्ट हुई यहां पर एंड इट गॉट, और दूसरी रे कौन सी ले लोगे, ये वाली विच गोज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कम्स बैक। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रेज विल बी इमेज, ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है दिस इज यू, फॉर्मूले में यूज करते समय हम क्या रखेंगे वो देखेंगे, ठीक है। This is V and this distance PC is R, ठीक। अब एंगल समझते हैं, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा, ठीक है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ये पॉइंट हो गया P डैश, और ये जो पॉइंट PP डैश तुम देख रहे हो इसको हम अप्रोक्सीमेटली जीरो मानते हैं, बिकॉज फॉर पैरेक्सियल रेज, मैंने अभी बोला था ना ऑल द फॉर्मूलाज आर वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज, सो व्हाट आर पैरेक्सियल रेज, रेज विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। तो जैसे जैसे ये ए नीचे आता जाएगा वो जो डिस्टेंस है पीपी डैश वो छोटा होता जाएगा। बेटा समझ आया नहीं आया आप लोगों को? यस सर, यस सर, है ना। तो हम यहां पर मान के चलेंगे कि पीपी डैश जो है ये एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, इट्स वेरी स्मॉल, राइट। नाउ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, रिफ्लेक्शन का एंगल आर है और वो आई है। अब देखो ट्रायंगल ओएसी में, ट्रायंगल ओएसी में हमें क्या मिला, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा, sum of two opposite interior angles is equal to the third exterior angle, yes or no? Yes sir, yes sir. और triangle CAI में beta plus R is gamma, मिला हमको? Yes sir. तो अब हमारे पास I की value है beta plus alpha और R, sorry beta minus alpha and we have R as gamma minus beta. All of you are aware that I is equal to R, laws of refraction.
रिफ्लेक्शन. यस सर. सो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, राइट? यस सर. ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या आया, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू टू बीटा. देखो आया कि नहीं आया, ये बीटा को इधर ले जाओ और अल्फा को इधर ले आओ, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू टू बीटा, राइट? यस. नाउ दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल सिंस द रेज आर पैरेक्जियल. मैं बार बार जो शब्द बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना बेटा. सिंस द रेज आर पैरेक्जियल सो दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल एंड वी कैन राइट अल्फा एज टैन अल्फा. अल्फा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज टैन अल्फा, राइट, फॉर स्मॉल अल्फा. Similarly, gamma can be approximated as tan gamma and beta can be approximated as tan beta. Yes or no? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Now, what is tan beta? Sorry, tan alpha se shuru karo. Tan alpha kya hai? Dekho, h upon minus u hai ya nahi hai? U ko minus rakhoge na tum yahan pe, kyunki it is measured opposite to the direction of incident ray. टेक्निकली ज्योमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये एच बाई यू होता था. कौन सा एंगल और कौन सा हो रहा है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ. देखो हाँ या ना, पीपी डैश बहुत छोटा हो गया, ठीक, पर हमको क्या फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है साइन कन्वेंशन. सो ये माइनस साइन हम लगाएंगे यहां पर. सिमिलरली एक सेकेंड, टैन गामा क्या होगा बेटा, टैन गामा होगा एच अपॉन माइनस वी. यस और नो? यस सर. बाकी बच्चे ये वाला डिस्टेंस है ना, तो ये हो गया एच अपॉन माइनस वी. और लास्ट वाला क्या है, टू एच अपॉन बीटा. टैन बीटा इज हाउ मच, आर, ऑरेंज वाली लाइन देखो, और माइनस आर बिकॉज यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस opposite to the direction of incident rays. Kids, say yes or no? Yes, sir. So, ye aaya beta, 1 by u plus 1 by v is equal to 2 by r. Ye hai humara mirror formula. Kya bolte hai isko? Mirror formula. Ye bachpan mein bhi padha hai tum logo ne. Hai na, 1 by uv plus 1 by u is equal to 1 by f. Hota hai. Yahan par ye 2 by r aaya hai. अब F क्यों हो जाएगा, फोकल लेंथ के लिए. फोकल लेंथ क्या होता है, जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज जहां बनता है वो फोकस होता है, राइट? व्हेन द प्लेन रेज दे स्ट्राइक अ रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस दे इंटरसेक्ट द रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज फोकस. सो व्हाट इज यू हियर, यू इज इंफिनिटी. व्हाट इज वी, इट्स माइनस F. देखो माइनस क्यों लगाना है, क्योंकि हमेशा आप डिस्टेंस ऑपोजिट मेजर कर रहे हो, ठीक है. आर की वैल्यू क्या है, माइनस आर है यहां पर, तो लेट सब्स्टिट्यूट इट. तो यू की वैल्यू इंफिनिटी है, वी की वैल्यू माइनस एफ है और आर की वैल्यू माइनस आर है. एफ क्या हुआ बेटा, आर बाई टू. समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना जल्दी से. यस सर. यस सर. Just go through this entire derivation once. If you have any doubt, please ask. So, हमारा ये जो expression है, this becomes 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Sanskriti, I hope it's not overwhelming to you. It's not overwhelming for you? No, sir. पक्का ना? हाँ. बेटा, आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? Just go through it once. And once you are done, write done in the comment window.
सर हाँ बेटा बोल। ये आपने वी को माइनस एफ क्यों लिया? अरे फोकल लेंथ पे बनता है ना इमेज इन्फिनिटी का। अच्छा हाँ 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 ओके सर। चले आगे सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये वाले आपने जो बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखी है ना, वन बाय यू प्लस वन बाय वी इज इक्वल टू आर, सर इज इक्वल टू वन बाय एफ कैसे है वो समझ में? ये देख यहाँ पे एफ इज इक्वल टू आर बाई टू है। हाँ सर। आर की जगह एफ लिख दे और टू को टू रहने दे। ओके सर। यस यस सॉरी टू को टू नहीं, टू को वन लिख दे। यहां से आया ना 2 by r is equal to 1 by f, आया कि नहीं आया? हाँ सर। बस ओके। और बताओ पूछो। चले आगे। यस सर। ठीक है तो अब हम लोग इसी इसी कॉन्सेप्ट पे वी विल डू 2-3 क्वेश्चंस। ठीक है एक दो सवाल और करते हैं। देखो इसमें मैग्निफिकेशन क्या होता है वो भी ध्यान रखो। मैग्निफिकेशन होता है हमेशा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है वो 20 सेंटीमीटर का दिखाई देगा, 5 का इमेज बनेगा उसका क्या होगा? तो मैग्निफिकेशन इज माइनस ऑफ वी अपॉन यू, और इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ये मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है अब देखो इसमें इसको हटा देते हैं यहां से फिलहाल। ठीक है वी विल यूज इट। देखो तुम लोग को डिफरेंशिएशन आता है सबको? यस सर। हेलो हेलो बच्चों बाकियों को संस्कृति yes, श्रृंखला दीक्षा चलो सबको आता है। नाउ इफ आई आस्क यू टू डिफरेंशिएट इट विथ टाइम, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। Can you guys do it? देखो अगर एक ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो उसका यू चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, यस और नो? यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस वन बाई वी स्क्वेयर डीवी बाई डीटी। ठीक है माइनस वन बाई यू स्क्वेयर डी यू बाई डीटी एंड दिस विल बी जीरो, क्योंकि ऑप्टिकल एलिमेंट का फोकल लेंथ तो कॉन्स्टेंट रहता है ना। ऑब्जेक्ट का यू आर वी चेंज होगा बट दिस विल बी कॉन्स्टेंट, राइट? से यस ऑर नो? सो माइनस वन बाई वी स्क्वायर दिस टर्म इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। टाइम के रिस्पेक्ट में इमेज की पोजिशन चेंज हो रही है बेटा, और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों ये आ गया अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर मुझे निकालना है मुझे यू वी और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये आएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। क्लियर? और यू कैन राइट इट एज मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। Say yes or no? Yes, sir. अच्छा इसमें इसमें जो ये वेलोसिटी है, इसमें जो ये वेलोसिटी है इमेज और ऑब्जेक्ट की, दीज वेलोसिटीज आर विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। समझ आया? Guys, you know about relative velocity or not? पता है बेटा आप लोग को relative velocity निकालना आता नहीं आता है? भव्य दीक्षा संस्कृति श्रृंखला। हेलो यू नो relative velocity or not? बेटा हाँ है ना बोलो ना जल्दी से। दीक्षा तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर अभी आ रही आवाज? हाँ अब आई।
सर अभी तो रिवाइज नहीं किया है पर किया कर रखा है ये। भव्य, तेरे को आता है बेटा, तुमको आता है रिलेटिव वेलोसिटी? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। संस्कृति तुमको आता है बेटा, संस्कृति श्रृंखला हाँ सर आता है। आता है ना? सर, 11th में वो हाँ, पहला चैप्टर है में पढ़ा था सर। हाँ सर, किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वेरी गुड, ठीक है। तो वी, चलो वी ए रिस्पेक्ट टू बी, तो सर वी वी ए माइनस वी बी होता है। चलो बहुत बढ़िया, आओ इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो सर, वो प्रीवियस स्लाइड एक बार आप। अच्छा ये लो, देखो। If you want to take notes, you can take notes. पर नोट्स लेने से थोड़ा समय जाता है। अब देखिए आगे, सपोज करो तुम्हारे पास ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, थोड़ा सा मतलब एकदम जेई मेंस और नीट लेवल का सवाल है ये, थोड़ा सा डिफिकल्टी में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट तुमको समझ में आएगा और होगा भी तुमसे। देखो, दिस मिरर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक यहां पर एक मक्खी है, मक्खी जानते हो ना, लाल रंग की मक्खी है, ठीक है। ये उड़ती हुई आ रही है इस मिरर की तरफ, ठीक है। एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लाई इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। The distance between the fly and the mirror at this instant, जब हमने देखा तो उस instant पे इसका distance है 20 सेंटीमीटर, and the focal length of the mirror is 10 सेंटीमीटर्स, okay? You have to find, see this is a question, right? You have to find the velocity of image with respect to ground. मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को वेलोसिटी के बारे में पता है, ठीक है, मतलब रिलेटिव मोशन आपको आता है। यहां पर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज आई विल फाइंड वी एंड यू। तो यू तो मुझे दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, आई हैव टू फाइंड वी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ। 1 बाय यू क्या हुआ यहां पर, यू इज -20, वी इज वॉट निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव बिकॉज इट इज मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। शक्ति, सॉरी संस्कृति, आपको समझ आया बेटा ये नहीं आया? यस सर आया। हाँ बेटा प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूं है ना, तू पूछना, ठीक है। श्रृंखला तुमको भी बोल रहा हूं, नहीं समझ में आता है पूछो, एक नहीं 10 बार पूछो, ठीक है। हम लाइव मिली इसलिए रहे हैं कि आप मुझसे डाउट्स पूछ सको। फोकल लेंथ इज -10, सो वी हैव 1 बाय वी इज इक्वल टू -1 बाय 10 प्लस 1 बाय 20, एंड दिस इज -2 प्लस 1 अपॉन 20, और दिस इज -1 बाय 20, राइट। तो वी की वैल्यू आ गई, वी भी मिला हमको -20 सेंटीमीटर। देख लो सामने है तुम्हारे, है ना। या एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इसको चेंज कर लेते हैं, रुको, इस डिस्टेंस को ले लेते हैं 15, फिर काम करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। डेटा देखिए, ये 15, ये 15, ये 15, ये इसको सॉल्व करेंगे। So V is -15 सेंटीमीटर, sorry, U is -15 सेंटीमीटर, this is 1 plus 1 by 15, ये हो जाएगा
माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5 अपॉन 150, ठीक है। सो वी इज, यहां से वी की वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर। अभी ठीक है बेटा, अब तुमसे पूछा क्या है उसने, वेलोसिटी ऑफ इमेज, पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर निकालो, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी बाई यू का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ओके। ये क्या आया बेटा, वी कितना है, वी कितना है, माइनस 30, तो माइनस 30, यू कितना है, माइनस 15, ओके। स्क्वायर करो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कौन बता रहा है मुझे इसको, संस्कृति आप बताओगे बेटा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, सांस सुनना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रेफरेंस पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि ग्राउंड है यहां, ओके। ये आएगा, एनी आइडियाज नाउ, एनी आंसर्स, संस्कृति बताओगी बेटा, श्रृंखला, हेलो 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 श्रृंखला, आवाज आ रही बेटा, यस सर, वन, हाँ वन, माइनस वन आई कैप, या वन माइनस आई कैप, राइट, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, यस सर, ग्रेट, सो दिस इज वन, राइट, सो नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस वन आई कैप है, सॉरी माइनस वन आई कैप है ना, तो ये आ गया तुम्हारे पास प्लस 4 आई कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इमेज कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव आई कैप की तरफ, और कितने डिस्टेंस पे है, माइनस 30 पे है, तो ये मक्खी की जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, ये बनेगी, देखो कहाँ बनेगी, देखो बनाते हैं इसको, ये यहाँ पे ब्लैक से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनेगी, ठीक है, ये अभी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, ठीक है, 4 आई कैप, ठीक। अब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं ना तुम्हें, ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, देखो ध्यान से, velocity of image with respect to mirror is velocity of image with respect to ground minus velocity of mirror with respect to ground. What is velocity of image with respect to mirror? 4 i cap. What is velocity of image with respect to ground? We have to find. And what is velocity of mirror with respect to ground? It's 2 minus i cap. It's 2 minus i cap, right? So velocity of image with respect to ground is 2 plus i cap centimeters per second. ये बेटा समझ आया नहीं आया तुम लोग? Yes sir. सबको? Yes. एक बार इस पूरे सॉल्यूशन को देखो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, जो अभी तुमने पढ़ा उसी का एक एप्लीकेशन है, खटाखट चमकना चाहिए। श्रृंखला, संस्कृति, दीक्षा एंड भव्य, फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था ये वाला पार्ट, सेकेंड स्टेप था ये सब निकालना, VOM निकालना है ना, और ये फॉर्मूला यूज करना जो अभी हमने डिराइव किया था पिछले जगह पर, यहां पर, ओके। Yes, sir. एक मिनट, क्या गड़बड़ की मैंने, हाँ वी बाई यू है ना, ठीक है ठीक है,
कोई गलती नहीं। सर एक बार फाइनल आंसर एक बार यहाँ तक कोई डाउट है बेटा किसी को? नहीं सर यहाँ तक क्लियर। नो सर क्लियर है। बाकी दोनों बच्चे मेरे ये no, ये वाला ग्रेट no, बहुत बढ़िया। और ये वाला देखो ये था तुम्हारा ये लास्ट वाला पार्ट चलो बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम लोग कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन ही सब पढ़ रहे हैं ठीक है। देखो यहां पर देखिए कॉनकेव मिरर ठीक, इसके सामने एक ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट यू शेप्ड वायर ठीक है। इसका इसके सारे साइड्स जो हैं वो 10-10 सेंटीमीटर के हैं। All sides are of length 10 centimeters. Okay. This is P, this is Q, this is R, and this is S. अब ये जो Q है, ये यहां से 20 centimeters के distance पे है। मतलब ये जो पॉइंट है इस लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ये जो पॉइंट हुआ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, क्योंकि अभी पढ़ा था ना तुम लोगों ने f by 2 is equal to r, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2r ठीक है। और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो इसको कुछ और लिख लो p डैश लिख लो इसको p डैश ठीक है। तो फोकल लेंथ दे रखा है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ये सब 10-10 सेंटीमीटर के हैं ओके। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द इमेज, ये निकालना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो द इमेज of an object placed at the center of curvature forms at the center of curvature only। मतलब जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा ठीक है। ये फर्स्ट हुआ। तो क्यू का इमेज क्यू डैश यहीं पर बनेगा या नहीं बनेगा? से यस और नो? यस सर। यस सर। ये स्टेटमेंट समझ आया आप लोगों को? आप yes. इसको फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r है। तो अगर u की वैल्यू r हो जाती है
तो v क्या होगा, तो u हो गया माइनस r और ये भी माइनस टू बाई माइनस आर, तो वन बाई वी की वैल्यू, क्योंकि साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे आप, पोल से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो इसलिए नेगेटिव लिखा आपने, तो ये आया माइनस वन बाई आर, तो वी की वैल्यू आ गई माइनस आर, यू भी माइनस आर था, तो यहां पर आप देख रहे हो कि वी और यू सेम पोजिशन पे सेम पॉइंट पे बन रहे, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज वॉट यू शुड रिमेंबर इफ यू वॉन्ट टू डू दिस क्विकली। I hope all of you got this. Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, अब हमको इस extended object का image बनाना है. वो कैसे बनता है? अभी सिखाया था magnification मैंने आपको. Height of image upon height of object is equal to minus of position of image upon position of object. Right? तो बेटा अगर तुम्हें P की position बनानी है तो ये हाइट ऑफ इमेज क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस 10, यस और नो? यस सर। माइनस वी क्या था, माइनस आर, दैट इज माइनस 20, यू क्या है, माइनस 20, तो ये हो गया माइनस 1, तो यहां से तुमको हाइट ऑफ इमेज मिला, दिस वाज वी आर डूइंग इट फॉर पी, राइट, तो हाइट ऑफ इमेज मिला माइनस 10 सेंटीमीटर, से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आएगा यहाँ पर, इसकी इमेज को हम बना लेते हैं ग्रीन कलर से, ये आया यहाँ पर पी डैश, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इट विल बी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, तो ये पी डैश हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस, प्लीज से यस सर। यस सर, इनवर्स। यस सर। अब ये उल्टा हो गया, अब इस आर की इमेज कहाँ बनेगी भाई, तो आर के लिए फिर से 1/v 1/u लगाओ, मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r, तो दिस इज फॉर इमेज ऑफ पॉइंट r, ओके। नाउ व्हाट इज 1/v, वी डोंट नो, व्हाट इज 1/u, कौन बता रहा है मुझे, श्रृंखला आप बताओगे बेटा u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जल्दी से, माइनस 20, माइनस 30, देखो 20 तो क्यू तक है, उसके आगे 10 और चला गया कि नहीं, यस सर, तो माइनस 30, 1/r कितना है, r की वैल्यू कितनी है, संस्कृति r कितना है बेटा, संस्कृति हेलो हेलो, संस्कृति आप हो बेटा क्लास में, बच्चे ये देखो ये आर है कि नहीं है, ये तो हुआ ना, संस्कृति अब समझ में आया बेटा, नहीं आया आपको, हेलो, अच्छा नेट चला गया, तो ये हो गया आर, आर की वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस की माइनस, भव्य बताओ प्लस की माइनस आर की वैल्यू, सर माइनस 20, माइनस 20, शाबाश, 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/20 प्लस 1/30, 1/v इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 10 अपॉन 600 और v इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर, नहीं यार ये क्या कर दिया मैंने, 30 10 हो गया, ये ठीक लिखा है मैंने, 10 और ये 30 और 20, हाँ ठीक तो लिखा है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, 30 हो गया ये, 1/v 1/-20, सॉरी ये गलत है, 1/r नहीं होगा ये 1/f होगा, या 2/r होगा है ना, ये 2 है, ये आएगा 10, ठीक है बच्चों इसको सॉल्व करो, ये आया तुम्हारे पास माइनस 20
अपॉन 300 और यहां से v की वैल्यू मिली -15 सेंटीमीटर. आई होप नाउ यू गाइस गॉट इट. यस ऑर नो? सो दिस इज फॉर इमेज ऑफ पॉइंट r. तो देखो ये r डैश कहां बनेगा? r डैश बनेगा 15 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां, इस पॉइंट से आगे रहेगा ना. तो दिस इज पॉइंट r डैश. ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो सी आर डैश या क्यू डैश आर डैश, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर. यस और नो? संस्कृति, श्रृंखला, दीक्षा, कौन पूछा ये बताओ? श्रृंखला की वो संस्कृति श्रृंखला. हाँ, किसके लिए? हाउ है बेटा, v इज इक्वल टू -15 के लिए है कि सी आर डैश के लिए? सर वो 5 सेंटीमीटर कैसे है? बहुत बढ़िया. v की वैल्यू क्या है देखो? -15 है. यस सर. ये किसकी, किसका v है? r का. तो ये जो r पॉइंट है, ये जो आप r देख रहे हो, इसकी पोजीशन कहाँ है? इसका, इसकी इमेज कहाँ है? -15 सेंटीमीटर पे. तो पी डैश से लेके आर डैश की वैल्यू कितनी है बेटा? 15 सेंटीमीटर. यस और नो? यस सर. ये -15 है ना, तो पी डैश से आप ऑपोजिट जाओगे 15 सेंटीमीटर, तो आपको आर डैश मिलेगा. ये आर डैश आ गया. तो आप बताओ पी डैश क्यू डैश का डिस्टेंस कितना था? 20 था. पी डैश आर डैश का डिस्टेंस कितना है? 15 है. तो Q डैश ये वाला पॉइंट था, है ना, C के पास जो था, C के ऊपर जो था, ये Q डैश है. ठीक है, यहां से हटा लो इसको. तो ये डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 5 हुआ नहीं हुआ? यस सर. पक्का? यस सर. बस अब देखो, अब क्या निकालना है हमें? S निकालना है. भव्य बताओ S कैसे निकलेगा? भव्य? यस सर. एस कैसे निकलेगा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है. हाँ सर. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं? ये फॉर्मूला लगाएंगे. हाँ सर. तो मैग्निफिकेशन एम एस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव लूंगा? कौन बता रहा है मुझे? नेगेटिव लेंगे सर. अरे क्यों? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऊपर है ना. 10 सर, पर हम इनवर्स में इमेज ले रहे तो. अरे नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा. ये एचओ क्या लिखेगा? प्लस लिखेगा, माइनस लिखेगा? यू मेजर द डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एज पॉजिटिव, राइट? हाँ सर. हाँ, हम ऑब्जेक्ट की ले रहे. हाँ सर. तो माइनस वी क्या है? वी इज -15. -15. यू क्या है? -30. क्लियर? तो हाइट ऑफ इमेज क्या है? -5 सेंटीमीटर. तो ये था एस के लिए. तो अब देखो, यहां से तुम जाओ -5 सेंटीमीटर, ये बना एस डैश. और ये कितना है बेटा? ये हाइट 5 सेंटीमीटर. समझ आया नहीं आया बच्चों? संस्कृति, समझ आया बेटी? पक्का? Yes, sir. बहुत बढ़िया. श्रृंखला, आपको समझ आया बेटा? यस सर. और दीक्षा और भव्य, एक बार इसको पढ़ लो आप लोग. कोई भी डाउट, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है, आई विल क्लियर दोज डाउट्स. प्लीज रीड, जस्ट गो थ्रू इट वंस. थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड करेंगे 5-10 मिनट, बट आप लोग पढ़ो कहीं. हाँ बोल सर. मेरा v -15 नहीं आ रहा. किसको सॉल्व करने से नहीं आ रहा बता? किसको सॉल्व करने से सर? हाँ सर. अच्छा, ये 2 है ना, ये 2 था. ये क्या हो गया? -1/10 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया. और ये 30 इधर आएगा तो +1/30 हो गया, नहीं हो गया सर? हाँ वही किया. हाँ, अब बता यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? 30, तो ऊपर 3 अपॉन 30 +1 अपॉन 30, तो कितना हो गया?
हाँ सर, हाँ हो गया ना। हाँ सर, हाँ बच्चों, बाकी बच्चे समझ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है सबको? सर बोल सर ये आपने जो ग्रीन पेन से जो लिखा है सर, वो एक बार वो 15 सेंटीमीटर और जो 5 सेंटीमीटर जो आपने लिया सर, वो वाला एक बार समझा दो। बोल। ये आर डैश का पोजीशन क्या है? -15 है। ये जो आर हाँ डैश सर, है, ये इसका, इस आर का इमेज है बिठाई। तो आर डैश की पोजीशन क्या है? -15 है। तो मैं पी डैश से, पोल से ऑपोजिट मेजर करूंगा इंसिडेंट रे के, तो 15 सेंटीमीटर जाऊंगा या नहीं? हाँ यहां सर, से यहां गया 15 सेंटीमीटर, तो ये मिल गया 15 सेंटीमीटर यहाँ पे। और ये पी डैश से लेके क्यू तक का सर, डिस्टेंस कितना था? 20 था कि नहीं? 20 सेंटीमीटर, दिया हुआ है ना, ये तो दिया था तुमको। हाँ सर, हाँ फोकल लेंथ 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होगा। तो ट्वेंटी ये होगा, 20 है, ये 15 है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ? 5, पांच, 5। यस सर, और ये फिर तो एक्सटेंडेड हाइट था, ये तो निकाला हमने इससे। तो जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है? यस सर। जस्ट गो थ्रू इट वंस, इफ यू हैव एनी डाउट्स अगेन आस्क, आई विल क्लियर इट। सर जो इमेज बनी है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए ना ऑब्जेक्ट से। कर्व सरफेस है ना बेटा, तुम चम्मच में अपनी इमेज बना के देखना कैसे दिखाई दोगी? तुम प्लेन मिरर तो नहीं है ना, ये प्लेन यस सर। मिरर में आइडेंटिकल बनता है ना, ओके सर। ठीक है? और बोलो, और पूछो। एनी डाउट्स? सर अंडरस्टूड चलो सर। चलो, ग्रेट। तो बच्चों ये बताओ, सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन करो फटाफट। अच्छे से सॉरी दिखाई सर, दे रहा है, ये वर्चुअल बैकग्राउंड कोई कोई ऑडियो बात था। नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपना जैसा जैसा कंफर्टेबल है। श्रृंखला, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? सो संस्कृति, दिस वाज योर वेरी फर्स्ट क्लास, यू जस्ट एनरोल्ड बिफोर 30 मिनट्स, हाउ वाज इट? वेरी मजा आया? गुड। जो पढ़ाया वो समझ आया ना बेटा? यस वेरी गुड। देखो, द ओनली थिंग इज नाउ यू नीड टू डू सम वर्क। अभी आप लोग 12th में आ चुके हो तो आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करना है। तो एक बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी की, एक तो तुम लोग कौन से बोर्ड में हो, आप कौन से बोर्ड में हो संस्कृति? सर। सीबीएसई, वेरी गुड। गो टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसका वो चैप्टर उठाओ, रे ऑप्टिक्स, पढ़ना चालू। एंड विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर? नहीं। नीट, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी की किताब उठा, और हमारा जो मैंने अभी तुम्हारा कंटेंट जो लाइव किया है तुम्हारा, उसमें क्विक रिविजन वीडियोज में जाना, QRVs 12th स्टैंडर्ड का। अगर एक्टिव नहीं होगा तो मैं एक्टिव कर दूंगा अभी, मेरे को थोड़ा एक्चुअली 24 आवर्स लगता है वो एक्टिव करने में, बट आई विल डू दैट, डोंट वरी। तो उसमें क्विक रिविजन वीडियोज में, तुम सबके लिए क्विक रिविजन वीडियोज में जाओ, उसमें रे ऑप्टिक्स का एक पूरा वो बना हुआ है, मतलब एक रे ऑप्टिक्स का एक वीडियो है, उसको देखो। उसके नीचे ही उसका एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों। बट फर्स्ट गो टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, रीड द चैप्टर। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है नीट अगर क्लियर करना चाहते हो, ठीक है? और उसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सॉल्व करो, और वहां से तुम एक्सरसाइज डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते। क्लियर? कहाँ रखा हुआ है?
12th स्टैंडर्ड के क्विक रिवीजन वीडियोस में रे ऑप्टिक्स के नीचे. ठीक श्रृंखला, हाउ वाज द सेशन? दिस वाज योर फर्स्ट सेशन. नाइस सर, नाइस एक्सपीरियंस. नाइस एक्सपीरियंस, मजा आया? यस सर. बहुत बढ़िया. दीक्षा, तेरा कुछ भला हो रहा है कि नहीं? सर हो रहा है, पर टर्म 2 की एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स बहुत परेशान कर रहे हैं. नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अभी वो जरूरी है तेरे को. तुम क्लास अटेंड करो, ये तो तेरा 12th का इसलिए मैंने चालू किया था. ठीक है, पर तुम वो वाली क्लास में क्यों नहीं आई कल? सर कल तो नहीं होती ना वो क्लास. कौन बोला? सर, मैंने ग्रुप में लिखा था सैटरडे ग्रुप, तो सर आपने. चलो कोई बात नहीं, अब तुम इसको ठीक करेंगे. भव्य, तेरा क्या चल रहा है? कल से, कल एग्जाम खत्म तो कल से काम चालू है ना? हाँ सर. हाउ इज योर एक्सपीरियंस? सर वेरी गुड, अच्छा चल रहा है सर. मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने? हाँ सर, कल से मेरे मतलब क्लासेस में नेट की का इशू है बेटा तेरे पास, चालू हो गया. ओके, सी व्हाट आई वांट टू से ऑल ऑफ यू इज, कैन यू हियर? हाँ अभी अभी देख सकता हूँ. अभी तू वीडियो बंद कर दे, वीडियो से ना आवाज तेरी मतलब वो बैंडविड्थ का इशू आ रहा है. हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है. व्हाट आई वांट टू से ऑल ऑफ यू इज, प्लीज रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ये नंबर वन. नंबर टू, आपको उस पे जाके काम करना है. ठीक है, व्हेन यू विल कम टू, अगर तुम लोग अगर अपग्रेड करते हो, तुम लोग गोल्ड में आते हो, तो देन वी विल, क्योंकि हमारे पास टाइम रहेगा करने का ना, तो देन वी विल बी डूइंग एचसी वर्मा आल्सो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. ठीक है, तो ये तीन करेंगे तो हमारा जेईई मेंस और नीट का टारगेट पूरा हो जाएगा, कुछ लेवल तक एडवांस्ड का भी हो जाएगा. बट एडवांस्ड के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे माहौल में अभी मतलब अभी तो हम लोग कम लोग हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो अभी तो वी कैन टॉक ऑल्सो ना, फिर तो मुश्किल भी होगा बात करना, पर चलेगा. तुम देखो सीखो, ये 1-to-1 का ही एक्सपीरियंस है. मैं तुमसे पूछता रहूंगा, तुम्हारा नाम लेता रहूंगा, तो तुम ऐसा नहीं है कि यू विल बी नेग्लेक्टेड और इग्नोर्ड, बट यू हैव टू कीप ऑन मतलब जवाब देते रहना पड़ेगा तुम्हें. यू हैव कीप ऑन रिप्लाइंग, राइट? तो प्लीज रिप्लाई और फटाफट आने दो. गलत है सही है ये मत सोचो, गलत होगा तो क्या होगा, सही होगा तो क्या होगा, मत सोचो. ये तुमको लगा उस समय ये होना चाहिए, ये आंसर होना हो सकता है क्या, बोलो सर ये हो सकता है क्या, गलत होगा, ये गलत है, सही है, हम ठीक करेंगे उसको, है ना? वी आर हियर टू लर्न, राइट? सो दैट्स इट. सो ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द सेशन, गिव मी अ थम्स अप. सो दिस वाज माय फर्स्ट क्लास तो नहीं है, बट हाँ आई विल टेक अ पिक. गिव मी अ थम्स अप, that's great, that's great. Thank you so much guys, thank you so much, bye, take care, good night sir. हाँ बेटा, वो recording का एक बार बता देना कि अभी कल सुबह तक दोनों recording मिल जाएगी. ठीक है, अभी सबको बोलता हूँ मैं, सब अभी करेंगे. बोलो सर, वो आपने जो टास्क दिया था वो एक बार आप फिर से बोल दो. फिजिक्स प्रो मॉडल पढ़ना उसको, फिजिक्स प्रो मॉडल में पहले करना. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू फिजिक्स प्रो मॉडल. श्रृंखला एंड संस्कृति बोथ ऑफ यू ऑल्सो प्लीज वॉच फिजिक्स प्रो मॉडल, डू ऑल द एक्सरसाइज एंड देन स्टार्ट दिस. ठीक है, ये पढ़ाई तो चलती रहेगी, पर वो यहाँ से ठीक होना जरूरी है. संस्कृति प्लीज गो एंड वॉच द फिजिक्स प्रो मॉडल. ठीक है, इट्स अ 13 रिकॉर्डेड वीडियोज, day 1, day 2, day 3 है. एक एक दिन हार्डली 5-5, 15-15 मिनट के वीडियोज है बेटा, तो वो ना काफी कंफर्टेबली तुम कर पाओगे उसको. ठीक है, हाँ बोल भव्य. हाँ सर, फिजिक्स प्रो मॉडल के बाद क्या करना, मतलब जो आज रे ऑप्टिक्स का जो क्लास हो, क्विक रिवीजन वीडियोस में जाके रे ऑप्टिक्स देखना. पहले उसके पहले एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़नी है. ये देखो, ये हमेशा यही चलेगा. फर्स्ट यू हैव टू रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, सेकेंड यू गो एंड सी क्विक रिविजन वीडियोज एंड डू दैट. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस. थैंक यू सर, माय प्लेजर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट. बाय सर, बाय.